बजट 2021 भी डिजिटल इंडिया के तहत पेश किया गया। जी हाँ, मेड इन इंडिया टैबलेट के थ्रू बजट को पेश किया गया। बजट 2021 पेपर लेस रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश GDP 2 बार माइनस में गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था। कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दो खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। पहली, आयकर स्लैब को लेकर वित्त ऐलान और बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा को लेकर भी कुछ बड़े काम किए गए हैं, जैसे देश में अब खुलेंगे 15,000 आदर्श स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूलों की होगी सौगात। जी हाँ, केंद्र सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए इस साल विधेयक पेश करेगी।